गुड मॉर्निंग लेंगे 72 से लेकर के 84 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा प्रीवियस 71 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 72, विस राइट इज नॉट इंक्लूड इन राइट ऑफ गिविंग मेडिकेशन, मतलब इसमें से कौन सा सही दवाई देने का सही नियम, जैसे आपको 5 राइट्स या 10 राइट्स लिखाए थे टोटल, तो उसमें से कौन सा नहीं है, है ना, जैसे 10 राइट लिखाया था उसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो उसके अंदर ए राइट डॉक्यूमेंटेशन, बी राइट क्लाइंट, सी राइट ड्रग्स, डी राइट नीडल। तो ये जो ए बी और सी तो तीनों तो थे, बट ये जो राइट नीडल है वो नहीं था। इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जाकर के 10 राइट्स के बारे में आप देखना, तो वहाँ पे आपको पूरा पूरा लिखा हुआ है कि कौन सा इंक्लूड है और कौन सा नहीं होता है। जो इंक्लूड है वो उसमें आप देख लीजिएगा, और रिमेनिंग जो होगा वो नॉट इंक्लूड में शामिल होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 72 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, डेक्यूबाइटिस अल्सर का मुख्य कारण क्या है। डेक्यूबाइटिस अल्सर, द मेन कॉज ऑफ डेक्यूबाइटिस अल्सर, ए शॉक, बी प्रेशर, सी टेम्परेचर, डी डिहाइड्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर करेक्ट है बी। कौन सा आंसर राइट है? बी आंसर राइट है। डेक्यूबाइटिस अल्सर जिसका दूसरा नाम है बेडशोर, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ये इसका पूरा सेपरेट वीडियो आया हुआ है, जिसके अंदर मेन कॉजेज के अंदर आपको बताया गया है कि कौन कौन से कॉजेज रहेंगे। तो इसमें प्रेशर या फ्रिक्शन लिखा जाता है, ठीक है ना, मेन जो कारण होता है प्रेशर। जैसे बेडशोर या डेक्यूबाइटिस अल्सर का मतलब ये होता है कि पेशेंट लंबे समय से एक ही पोजिशन में लेटे रहने से वहाँ की जो स्किन है उस पर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, क्या कहलाता है, बेडशोर, ठीक है। तो प्रेशर पड़ता है और प्रेशर की वजह से वहाँ पे अल्सर हो जाते हैं। तो यही था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट आरटीएल पल्सेशन गिव द सेंसेशन ऑफ डबल बीट इज कॉल्ड, मतलब असामान्य नाड़ी दर जिसमें एक हार्ट स्पंद हो रहा है, एक हार्ट बीट हो रही है और दो धमनी स्पंद होता है, ठीक है ना, मतलब जिसको बोलते हैं डबल बीट। तो जैसे हार्ट बीट, जैसे हार्ट से जो ब्लड का फ्लो होता है बाहर फेंकता है, तो एक बार फेंकता है और आर्टरी के वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे दो बार सेंसेशन फील होता है, मतलब एक हार्ट बीट से दो बार जो आर्टरी है उसके अंदर सेंसेशन फील होते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो डबल वाली कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है ए बाइजेमिनल, बी वाटर हैमर, सी डाइक्रोटिक और डी पैराडॉक्सिकल। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आया है डबल बीट, है ना, डबल बीट का मतलब होता है डाइक्रोटिक पल्स, डी आई का मतलब क्या हुआ, डबल, डी ओ यू बी एल, तो डबल बीट आ रही है, तो किसके अंदर आएगी, तो इस प्रकार की जो डबल बीट होती है उसको बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। तो ये आपके पल्स वाले पोर्शन के अंदर पढ़ाएंगे, तो ये इसका आंसर राइट रहेगा। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या है, सी, ठीक है। दूसरा ये बाइजेमिनल पल्स, वाटर हैमर पल्स और पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइजेमिनल पल्स। बाइजेमिनल पल्स की बात करें, इसको भी ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि डाइक्रोटिक पल्स की जगह बाइजेमिनल पल्स भी आ सकती है। बाइजेमिनल पल्स, ए पल्स इन विच द टू रेगुलर बीट आर फॉलोड बाय ए लॉन्ग पोज। देखो इसमें क्या हो रहा है कि लंबे टाइम से एब्सेंट रहेगी, ठीक है ना, जैसे एब्सेंट हुआ और उसके बाद में हार्ट बीट, दो हार्ट बीट आई, ठीक है, ये लंबा पोज हुआ मतलब रुक गई और उसके बाद में दो हार्ट बीट आई, तो उसके बाद में लंबा पोज हुआ, लॉन्ग पोज हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, ये हार्ट बीट। तो इस प्रकार की जो हार्ट बीट रहती है उसको बोलते हैं, इस प्रकार की जो हार्ट बीट या पल्स रहती है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बाइजेमिनल पल्स। तो ए पल्स विच इज द टू रेगुलर बीट, तो ये दो रेगुलर बीट आई है और उसके बाद में क्या है कि लॉन्ग पोज, मतलब बीच में ये रुक गया है, ठीक है ना। पल्स तो क्या है कि रेगुलर आने चाहिए, जैसे ऐसे आई, ये इस प्रकार के आने चाहिए ना, ये,
तो ये ऐसा नहीं आकर के क्या होगा कि एक बार लॉन्ग पॉज हुआ, उसके बाद में दो पल्स पास में आई, उसके बाद में लॉन्ग पॉज हुआ, उसके बाद में दो पल्स और आई, उसके बाद में लॉन्ग पॉज हुआ, उसके बाद में दो पल्स आई। तो इस प्रकार की जो पल्स फील होती है उसको बोलते हैं बाईजेमिनिन पल्स, ठीक है। दूसरा है वाटर हैमर पल्स। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर, जैसे वाटर हैमर मतलब इसमें क्या होगा कि फुल वॉल्यूम विथ सडन कोलैप्स एपियरेंस, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ द एओर्टिक रिगुर्गिटेशन। जो एरोटा है, जो हार्ट है, उस हार्ट के अंदर जो एरोटिक वाल लगा हुआ होता है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड का फ्लो, ये वाला जो चैम्बर है, जो ये वाला जो चैम्बर है, इससे ब्लड तो बाहर फेंकेगा, बट क्या है कि रेगुर्गिटेशन मतलब वापस जाता है ना, जैसे ब्लड बाहर फेंका तो फेंकने के बाद में वहाँ आर्टरी जो के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ वाल्व कमज़ोर हो जाता है, एरोटा वाल्व कमज़ोर हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ब्लड है वो वापस आ जाएगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा। रिगुर्गिटेशन का मतलब क्या है, रिवर्ट हो जाएगा, बैक फ्लो होगा, है ना। इसमें रिगुर्गिटेशन का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो, तो बैक फ्लो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन जिसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। अब इसके अंदर क्या है कि एकदम देखो फुल वॉल्यूम बताया है, पहले बोला है कि फुल वॉल्यूम के साथ में ब्लड क्या है वहाँ से धक्का देगा, धक्का दिया तो धक्का देने के एरोटा वाल खुल गया, और एरोटा वाल खुलने से ब्लड क्या चला गया आगे, बट क्या है कि एरोटिक वाल्व है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्या है कि एक बार तो ब्लड गया बट वहाँ पे आगे प्रेशर पड़ा तो फिर वापस आ गया, मतलब सडन कोलैप्स हो जाता है। तो इस प्रकार का मतलब जैसे ब्लड एकदम फेंकते हैं और उसके बाद में वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से और एरोटिक वाल्व का कमज़ोर होने की वजह से वो वापस ब्लड अंदर की वापस आ जाता है, बैक फ्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक बार तो पल्स है जो एकदम तेज साउंड पल्सेशन होगा और उसके बाद में एकदम कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स क्यों जाएगा कि ब्लड कहाँ जा रहा है, वापस आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे वाटर हैमर पल्स, ठीक है। जैसे आपने देख एक एग्जांपल बात करें, जैसे पानी है, पानी को ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकते हैं ग्लास में भर के ऊपर फेंके, तो ऊपर फेंकते हैं तो एकदम जब जाएगा तब तो एक फुल वॉल्यूम के साथ में जाएगा, बट वहाँ पे क्या होगा जैसे ही उसका प्रेशर कम होगा तो वो एकदम धड़ाक से नीचे आ जाएगा, है ना। तो यही होता है वाटर हैमर पल्स, तो इसलिए ऐसे पानी के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है डाइक्रोटिक पल्स। तो डाइक्रोटिक पल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना, डाई का मतलब डबल, डाई का मतलब क्या होगा डबल, DOUBLE डबल। तो इसके अंदर क्या होगा, एक हार्ट बीट होगा, एक हार्ट बीट होगा एंड टू RTL होगा, ये ध्यान रखना, एक हार्ट बीट पे दो RTL पल्सेशन फील होना डाइक्रोटिक पल्स कहलाता है। ऐसे लिखिएगा, इस डाई के आगे ऐसे लिखिए 1H एंड 2A, तो इसका मतलब हुआ कि एक हार्ट बीट एंड टू RTL सेंसेशन, तो ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा साइड में, लिख लीजिएगा डाइक्रोटिक पल्स के अंदर आपको, ताकि आसानी से याद रहे। नेक्स्ट है पैराडॉक्सिकल पल्स। तो इसके अंदर मैंने पहले भी बताया था कि डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब सांस लेते हैं तब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्या कहलाता है, पैराडॉक्सिकल पल्स कहलाती है, ठीक है। तो ये कुछ पल्स के बारे में था, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब देखिएगा बाईजेमिनल पल्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि बाईजेमिनल पल्स के अंदर क्या हो रहा था कि इसके अंदर क्या हुआ कि दो पल्स आ रही थी और लॉन्ग पॉज के बाद में, है ना, और उसके बाद में वाटर हैमर बता दिया, और डाइक्रोटिक में के अंदर जो फॉर्मूला है उसको लिख लेना, 1 हार्ट बीट एंड 2 RTL सेंसेशन, तो उसको बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक फ्रिक्शन की कौन सी विधि से शरीर के किसी भाग को उनकी लचीलापन की जांच हेतु हाथों से घुमाया जाता है, ठीक है ना। विच टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड मूविंग ए पार्ट ऑफ बॉडी टू नोट द फ्लेक्सिबिलिटी। देखो इसके ये फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड है जिसके अंदर एस्कल्टेशन, बी परक्यूशन, सी मैनिपुलेशन, डी पाल्पेशन। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पालपेट करना, है ना, जैसे हाथों से पालपेट करते हैं, हाथों से घुमाते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो अपनी बॉडी है वहाँ पे फ्लेक्सिबल है या नहीं है, लचीलापन है या नहीं है, या ट्यूमर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कड़ा होगा, तो
पालपेट करने से, पालपेट विधि से जो हाथ से घुमाते हैं तो उससे क्या मालूम पड़ता है कि वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। यदि वहाँ पे इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई ट्यूमर है तो वहाँ पे क्या होगा, हार्ड पार्ट्स शो होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी की देखने के लिए क्या करते हैं, पालपेट करते हैं। अब अस्कल्टेशन, परक्यूशन, मैनिपुलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन कुछ कुछ मेथड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं। इसका मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा तो उसमें आप देख सकते हैं। सबसे फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन, और क्वेश्चन के अंदर है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन के अंदर वेरियस एक्शन इसमें किया जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखना है ना, विजुअल एग्जामिनेशन। बस यदि इंस्पेक्शन आए तो आपको देखना है कि बस वो एग्जामिनर क्या करता है, आंखों से ओनली देखता है, विजुअल एग्जामिनेशन करता है। जैसे क्या पोजीशन है पेशेंट का, बॉडी का कलर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, ठीक है। और इंस्पेक्शन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द फिजिकल असेसमेंट। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंस्पेक्शन है वो क्या है, फर्स्ट मेथड है फिजिकल असेसमेंट करने का। और इसके अंदर क्या होता है, विजुअल एग्जामिन, मतलब ओनली देखा जाता है पेशेंट की जो बाहरी आउटर पोर्शन है उसको क्या करा किया जाता है, ओनली देखा जाता है। नेक्स्ट है पाल्पेशन। तो क्वेश्चन के अंदर वही आया था कि लचीलापन देखने के लिए, तो अब इसमें क्या करते हैं, एग्जामिनर बाय एप्लीकेशन ऑफ द पाम ऑफ हैंड या टिप ऑफ द फिंगर टू एक्सटर्नल बॉडी ऑफ द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एविडेंस ऑफ द डिजीज या एबनॉर्मलिटी इन द इंटरनल ऑर्गन। तो इससे क्या होगा कि अपने हथेलियाँ हैं या फिंगर ऑफ टिप ऑफ द फिंगर है, उससे क्या करेगा, बॉडी की सर्फेस पे बाहर पे रखेगा और उसको पालपेट करेगा, मतलब घुमाएगा, है ना। तो घुमाएगा और उस घुमाने से क्या एविडेंस प्राप्त होता है, एबनॉर्मल कंडीशन। यदि बॉडी के अंदर अंदर लचीलापन फील होगा, यदि नॉर्मल कंडीशन है तो लचीलापन फील होगा, और यदि एबनॉर्मल है तो वहाँ पे जैसे ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो उसका पता किया जाता है। तो ये पालपेट करते हैं, पेट के ऊपर हाथ या स्किन या बॉडी के ऊपर हाथ लगा करके उसको हाथों से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर ये था। उसके बाद में परक्यूशन। देखो परक्यूशन के अंदर क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग टू द बॉडी सरफेस यूजली विद द फिंगर या स्मॉल हैमर टू प्रोड्यूस साउंड इज कॉल्ड परक्यूशन। देखो इसके अंदर क्या होगा कि स्ट्राइकिंग का मतलब होता है प्रहार करना, जैसे हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, स्मॉल हैमर मतलब छोटा हथौड़ा आता है उसकी सहायता से, और फिंगर, जैसे मैं कहूँ कि एक हाथ के पहले हाथ उस बॉडी के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर हल्का सा दूसरे हाथ से स्ट्राइकिंग किया, दूसरी जो अंगुलियाँ हैं उसके, उससे क्या करते हैं स्ट्राइकिंग, मतलब उसके ऊपर जोर जोर से पीटते हैं, तो इससे क्या होता है कि साउंड अपीयर होती है। और या एक हल्का सा थोड़ा सा हाथ रखते हैं और उसके ऊपर क्या है, छोटा स्मॉल हैमर आता है, हथौड़ा आता है, उससे क्या करते हैं उसके ऊपर प्रहार करते हैं और उससे क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो साउंड से भी मालूम पड़ता है कि किस प्रकार यह साउंड किस टाइप की आ रही है, कोई एबनॉर्मलिटी है तो अलग साउंड देखने को मिलेगी। तो अपन वो वीडियो फिजिकल एग्जामिनेशन का आएगा तो उसके अंदर पूरा डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन ए लिस्टिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द बॉडी बाय द मेनली स्टेथोस्कोप। तो अस्कल्टा साउंड के द्वारा क्या होगा कि साउंड को सुना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर कभी चेस्ट पे लगाते हैं स्टेथोस्कोप, कभी बैक की साइड में लगाते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं ना कि लंबी सांस लो, तो यही है कि उसमें वो अस्कल्टेशन कर रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन है उसकी साउंड को सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड होते हैं, तो उसको देखना होगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या था, जो हाथों से घुमाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पाल्पेशन। समझ में आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा पाल्पेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है द नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर फॉर द एडल्ट। एडल्ट के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिएगा क्वेश्चन आपका पूरा पूरा आपको देखना है, ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, 96.8 आता तो भी आप सही कर देते, कभी कभार होता है क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, पूरा क्लियर देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है
लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, देखो इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन के अंदर, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू नॉन एज हाइपोक्सिया, ठीक है, इसके अंदर आंसर रहना चाहिए हाइपोक्सिया, बट हाइपोक्सिया आंसर नहीं आया है, है ना, तो हाइपोक्सिया तो इसमें है नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू नॉन एज द हाइपोक्सिया, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर इसका आंसर साइनोसिस करवाया था, तो साइनोसिस थोड़ा आंसर राइट है, बट उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा इसके साइनोसिस के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यू के अंदर, तो ये उसकी वजह से साइनोसिस सिम्टम देखने को मिलता है। मैंने आपको यही बोला था कि जैसे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो साइनोसिस किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के अंदर टिश्यू की कमी की टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से साइनोसिस कंडीशन अपीयर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मोस्टली जो क्वेश्चन का आंसर माना है वो उन्होंने एनोक्सिया माना है, क्यों माना है, क्योंकि हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की कमी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, नॉन एज द हाइपोक्सिया, और रिकरेंट हाइपोक्सिया कंडीशन रहेगी तो क्या हो जाएगा, एनोक्सिया हो जाएगा। समझ में आ गया, मैंने आपको वहाँ पे साइनोसिस लिखा था, तो उसकी जगह आप मोस्टली जो मैंने आप बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर या बुक्स के अंदर देखा है कि इसका आंसर एनोक्सिया राइट कर रहा है, यदि हाइपोक्सिया हो रहा है तो वहाँ पे तो हाइपोक्सिया आएगा ही, बट हाइपोक्सिया ऑप्शन नहीं है और वहाँ पे एनोक्सिया है तो दूसरा प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, एनोक्सिया को देंगे, ठीक है। साइनोसिस भी था बट बहुत सारी जगह पे साइनोसिस को नहीं ले रहे हैं, साइनोसिस से लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू नॉन एज द हाइपोक्सिया होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो एनोक्सिया इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे भी जो आप है करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन बार बार रहती है, तो बार बार टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कमी होगी तो एक दिन क्या हो जाएगा, एनोक्सिया हो जाएगा, तो ये कंडीशन है, तो इसके हाइपोक्सिया से बाद में जो होता है वो एनोक्सिया होता है, तो इसी कंडीशन को इसमें करेक्ट माना गया है। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे, ए, इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ए, और क्रिस्कोस फर्स्ट के अंदर भी ए आपको राइट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जिससे रोग संचारित होता है, ठीक है ना, देखो ऑब्जेक्ट विच आर केपेबल टू ट्रांसमिटिंग डिजीज, ऑब्जेक्ट विच आर केपेबल टू ट्रांसमिटिंग डिजीज, देखो पहला है सेप्सिस, दूसरा है फोमाइट्स, तीसरा है असेप्सिस, और चौथे नंबर पे है कैरियर, ठीक है। तो इसका अंदर करेक्ट आंसर रहेगा बी, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। अब देखिएगा इसकी सेप्सिस, असेप्सिस, फोमाइट्स और कैरियर की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, देखिएगा इसके अंदर सेप्सिस की बात करें, सिस्टेमेटिक रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, देखो सेप्सिस का मतलब होता है पस का फॉर्मेशन होना, ठीक है ना, सेप्सिस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा और बॉडी में क्या हो जाए, पस फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उसको सेप्सिस बोलते हैं, तो सेप्सिस रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इतना ध्यान रखना। और असेप्सिस जिसमें ए आ गया है तो इसका मतलब है कंडीशन फ्री फ्रॉम जर्म या इन्फेक्शन, तो असेप्सिस का मतलब होता है कि पेशेंट हेल्थी है, उसमें इन्फेक्शन नहीं है, और ए हट गया मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन आ गया, ठीक है ना, या अब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया वायरस या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, असेप्सिस का मतलब, ये समझ में आ गया। अब इन कैरियर और फोमाइट्स का मतलब, कैरियर देखो फोमाइट्स का मतलब देखिएगा कि एनी ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ बींग एंड इंटरमीडिएट इन द इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट, तो इसका मतलब होता है कि फोमाइट्स क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पदार्थ है जिसकी वजह से जो डिजीज है वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, जैसे
इसका एग्जांपल की बात करें तो क्लॉथ्स है, यूटेंसिल है, क्लॉथ का मतलब कपड़े, यूटेंसिल का मतलब क्या बर्तन या फर्नीचर है ना, जो फर्नीचर होते हैं। इसका मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि थॉमाइट्स का मतलब ये होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहता है और एडमिट होने के बाद में जब वो पेशेंट घर की तरफ जाता है और जाने के बाद में दूसरा पेशेंट आता है उसी रूम के अंदर, तो उसने जो यूज़ किए हुए हैं जैसे क्लॉथ्स है, बेडशीट है, सादर है, पिल्लो है, और जो यूटेंसिल बर्तन है और फर्नीचर है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने हाथ लगाया है, तो उसकी वजह से वो दूसरे पेशेंट को भी उसको इन्फेक्शन हो जाता है या डिजीज स्प्रेड हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है, फोमाइट्स कहलाता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट इन्फेक्टेड था उसने जो जो बर्तन यूज़ किए हैं, जो अपने पिल्लो सादर बेडशीट फर्नीचर जो टच किए हैं, तो उसकी वजह से वो जो है उनकी वजह से दूसरे पर्सन इन्फेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं फोमाइट्स। तो फोमाइट्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें डिजीज़ को क्या करता है, स्प्रेड करता है, तो ये फोमाइट्स हैं। दूसरा कैरियर, कैरियर के अंदर, कैरियर के मतलब कोई भी इन्फेक्शन को ले जाने का काम करता है, ठीक है ना, जैसे मेरे को इन्फेक्शन है और वो दूसरे को ले जाएंगे, तो ये कैरियर का होता है। तो कैरियर के अंदर क्या है, एन इंडिविजुअल हु आर कैरिंग द इन्फेक्शन एजेंट विदाउट मैनिफेस्टिंग सिम्टम, तो इसके अंदर है कि कोई भी सिम्टम अपीयर नहीं होगा उसके, तो अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से ले जाना है और वहाँ पे छोड़ना है, तो ये इसका काम क्या होता है, कैरियर का होता है। तो ये तो कोई डिजीज स्प्रेड नहीं कर रहा है, ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मतलब इन्फेक्शन है वो ले जा करके वो यहाँ पे ले छोड़ देगा और उसके बाद में यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, कैरियर कॉलोनी ग्रोथ होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पे डिजीज होगी। तो कैरियर का मतलब होता है कि वो बिना सिम्टम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर इज ए पोटेंशियल capable to spreading of organism to other, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको स्प्रेड फैलाने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये दोनों ही सिमिलर है, बट इसका जो फॉर्मेट्स है उसका आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हो गया, देखिएगा फॉर्मेट्स, ये क्वेश्चन फॉर्मेट्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 78 हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट है द मैकेनिकल डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप है ना, फुट ड्रॉप को रोकने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो उसके बारे में है। तो फुट ड्रॉप को रोकने के लिए क्या करेंगे, ए बेड ब्लॉक, बी बेड रेस्ट, सी फुट रेस्ट, फुट रेस्ट, डी नी रेस्ट। तो फुट ड्रॉप को रोकने के लिए क्या कहें, फुट रेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे पैरों को कोई दिक्कत ना हो या लगे नहीं, इंजरी ना हो, तो उसके लिए फुट रेस्ट यूज़ करते हैं। ए डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर, नेक्स्ट है ए डिफरेंस बिटवीन एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ए 1 degree Fahrenheit, बी 2 degree Fahrenheit, सी 3 degree Fahrenheit, डी 4 degree Fahrenheit। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है बी, इसके अंदर क्या राइट है, बी राइट है, बी आंसर राइट रहेगा। देखो इसके अंदर मैंने आपको क्या लिखा था कि एक्सिलरी मेथड से 97.6, ओरल रूट से 98.6, रेक्टल रूट से 99.6, यही तो लिखा था। अब देखिएगा वो क्या बोल रहा है कि एक्सिलरी टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये एक्सिलरी वाला हो गया और ये रेक्टल वाला हो गया, 97 है और ये 99 है, तो कितना फर्क रह गया, 2 degree Fahrenheit का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। किसकी जांच के लिए रोथरा परीक्षण किया जाता है, रोथरा टेस्ट किसके लिए करते हैं, देखो रोथरा टेस्ट करते हैं, ए एल्बुमिन, बी एसीटोन, सी शुगर, डी बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट के अंदर मैंने आपको लिखाया था साहेब, नहीं लिखाया था, तो साहे ऐसा लिखाया था ना, तो हे टेस्ट किस में करते हैं, बाइल साल्ट के अंदर, तो ये तो होगा नहीं, शुगर के टेस्ट के लिए नहीं होगा, और एसीटोन टेस्ट करते हैं उसके लिए होगा, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। अब देखिएगा कौन कौन से टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर, देखिए सबसे पहले
मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, रोथरा टेस्ट फॉर असेटोन। देखो ये इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार आएगा, इसमें से एक न एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर रोथरा टेस्ट किसे में करते हैं, असेटोन के लिए, तो आर ए है ना, ऐसे आप याद रखिए आर ए रोथरा, आर ए मतलब असेटोन है, एल्ब्यूमिन नहीं है, ध्यान रखना। बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं वो शुगर के लिए करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं वो शुगर के लिए करते हैं। दूसरा है टेस्ट साहे साल्ट के लिए, और पिगमेंट के लिए मैंने आपको बताया था एस पी नहीं बोला था एस पी, तो ये ऐसे ट्रिक से याद करना है। स्मिथ के लिए करेंगे बाइल पिगमेंट के लिए, टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन प्रजेंट ऑफ द यूरिन, यूरिन की प्रजेंट है या नहीं है उसको जांच के लिए क्या करते हैं, एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया कि जो एल्ब्यूमिन है वो किस में करेंगे, यूरिन बॉडी के अंदर प्रजेंट है, सॉरी बॉडी के अंदर यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन है या नहीं है तो उसके लिए एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं। दूसरा असेटोन टेस्ट, रोथरा टेस्ट में असेटोन टेस्ट करते हैं। तीसरा है बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर शुगर टेस्ट करते हैं, और हे टेस्ट के अंदर साल्ट टेस्ट करते हैं, और स्मिथ टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, पिगमेंट को टेस्ट करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंसर्ट ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन 90 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 25 डिग्री, डी 15 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है गैस स्टेरिलाइजेशन, गैस स्टेरिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज गैस, जैसे धूम्रीकरण मैंने आपको बताया था, धुआं होना, धूम्रीकरण किसमें होगा, फमिगेशन के अंदर, हॉट एयर स्टेलाइजेशन ऑटोक्लेव और डिसइंफेक्टेंट इसमें नहीं होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया हुआ है। नेक्स्ट है स्टिफनेस ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ इज कॉल्ड, मृत्यु हो जाती है उसके बाद में शरीर कड़ापन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, ए रिगोर, बी रिगोर मोर्टिस, सी ऑटोलाइसिस, डी पोस्टपार्टम हाइपोस्टेसिस। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है रिगोर मोर्टिस। रिगोर मोर्टिस आफ्टर 48 आवर के बाद में क्या हो जाता है कि स्किन जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, स्टिफनेस होने लगता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी रिगोर मोर्टिस कहलाएगा, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन है 72 से लेकर के 84 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।